छत्तीसगढ़ के रायगढ़ शहर की सरकारी जमीनों पर स्थानीय भूमाफियों की गिद्ध नजर किसी से छुपी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि अतिक्रमण के इस खेल की खबर निगम प्रशासन को नहीं होती है, परंतु अपने ही विभाग के कुछ बेईमान कर्मचारियों की शहर से निगम क्षेत्र की अधिकांश सरकारी जमीनों पर कब्जे की कवायद वर्षों से चली आ रही है। बीते शाम जिस शासकीय नजूल भूमि पर अतिक्रमण को हटाए जाने के लिए पूरे लाभ लश्कर के साथ बोईदरार चौक पहुंचे, निगम अमले की सक्रियता देखते ही बन रही थी। इस शासकीय भूमि पर अवैध निर्माण का काम इस लॉकडाउन काल में शुरू हुआ था, जिसे लेकर स्थानीय लोगों में काफी नाराजगी थी। उन्होंने निगम आयुक्त आशुतोष पांडे को लिखित आवेदन देकर शासकीय भूमि को तत्काल अतिक्रमण मुक्त कराने को कहा था। साथ ही भूमि पर अतिक्रमण करने वाले दो भूमाफियों के नाम भी आवेदन में लिख कर दिए थे, जिनमें से एक का नाम तपन विश्वास और दूसरे का नाम किसी सुरेश रोहड़ा का बताया जा रहा है। बोईरर दादर रोड पर रिफ्यूजी बंगाली कॉलोनी के सामने के इस मामले की लिखित शिकायत करने वाले क्षेत्रवासियों का कहना है कि छोटू बिल्डर और तपन मुख्य मार्ग पर शासन की जमीन पर अवैध कब्जा कर गैर कानूनी ढंग से 7 से 8 दुकान का तेजी से निर्माण कर रहे हैं। यह दुकान का निर्माण कार्य अक्सर रात में चोरी छिपे करवाया जा रहा है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि दुकानों के निर्माण में स्थानीय वार्ड पार्षद की भूमिका भी संदिग्ध है। उसने भी उस अवैध निर्माण का कभी कोई विरोध नहीं किया। उनके बताए अनुसार लॉकडाउन में जहां प्रशासन लोगों की जान माल की सुरक्षा में लगा है, भूमाफिया ने एक राय होकर सरकारी नजूल भूमि और जबरन दुकान निर्माण कर लोगों से ठगी करते हुए एक दुकान को औसतन 12 लाख रुपए में बेच दिया है। शिकायतकर्ता राम अवतार अग्रवाल, कृष्णा यादव, प्रवीण प्रधान व असलम खान ने शासन से दोनों भूमाफियों की करतूत के बदले ना केवल उनके विरुद्ध उचित दंडात्मक कार्यवाही करने की भी मांग की है, बल्कि सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त करवाना चाहते हैं। बीती शाम निगम प्रशासन पूरी तैयारी के साथ इसी शिकायत के आधार पर अतिक्रमण हटाने पहुंचा था, परंतु उसके अचानक लौट जाने की वजह से लोग अचरज में पड़ गए, जिसे लेकर निगम आयुक्त ने कहा कि कब्जेदार ने 3 दिन का समय मांगकर खुद अवैध निर्माण तुड़वा देने को कहा है। यदि 3 दिन के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटा तो पुनः प्रशासन तैयारियों के साथ न केवल कब्जा हटाने आएगा, बल्कि अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध पुलिस प्रकरण भी दर्ज किया जाएगा। छत्तीसगढ़ से स्टेट हेड प्रणय अग्रवाल की रिपोर्ट। लॉकडाउन के समय अभी शहर के बीच में मुख्य मार्ग पे बोईर दादर में तपन विश्वास नाम के लड़के के द्वारा और उसके परिवारजनों के द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा था। अतिक्रमण को रोकने के लिए 2 बार 3 बार नोटिस दी गई, नगर निगम की टीम भी आई, लेकिन वह काम रुका नहीं। और अभी हमारी टीम जब स्वच्छता के ट्रेनिंग में गई थी तो रातों रात इन लोगों ने वहाँ ढलाई का काम शुरू कर दिया। इसको देखते हुए हमने यहाँ पर बल लेकर आए थे और SDM रायगढ़ और तहसीलदार रायगढ़ के साथ कार्रवाई स्टार्ट की थी। इसके बाद कलेक्टर सर के पास इन लोगों ने रिक्वेस्ट किया था। कलेक्टर सर के आदेश पर 3 दिन का समय दिया गया है, जिसमें साक्षी गवाह के रूप में माननीय महापौर महोदय, स्थानीय पार्षद और स्वयं आवेदक है। 3 दिन के अंदर एक खुद से अपना अतिक्रमण हटा लेगा और उसके बाद जमीन जो है शासन के हवाले कर देगा, अन्यथा फिर आवश्यक पुलिस बल के साथ और बाकी निगम की टीम के साथ कार्रवाई की जाएगी, जिसमें बलपूर्वक हटाया जाएगा और उसका पूरा खर्चा इससे वसूल किया जाएगा। थैंक यू। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets lie hai, Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.